हेलो बच्चों, क्लास टेंथ आप लोगों का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, आप सब लोग एसिड वर्ड जो है उससे और बेस वर्ड जो है उससे आप एट क्लास से इस वर्ड को जानते हो। ठीक है बच्चा, और एक्चुअली एसिड होते क्या है आपको ये भी पता है। हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। हम काफी थाउजेंड इयर्स पहले से हम लोग जो नींबू यूज करते थे, लेमन यूज करते थे, हम जो ऑरेंज खाते थे, इन सब चीजों में हमें एक सॉर टेस्ट फील होता था। ठीक है बेटा, यही सॉर टेस्ट जो था वो एक्चुअल में एक लेटिन वर्ड था, एकेर। इस लेटिन वर्ड जो था एकेर, इसका मीनिंग होता था सॉर। तो इसी लेटिन वर्ड से हमने क्या वर्ड डिराइव किया बेटा, एसिड। ठीक है, सबसे पहले आपका जो ये एसिड वर्ड है इसको यूज किया जाता था एसिडस वर्ड से, बाद में हमने लैटिन वर्ड एक्रे यूज किया, और जिसके हेल्प पर जिसका मीनिंग होता था सॉर। तो कोई भी चीज जो खट्टी होती है, ठीक है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते थे, एसिड कहते थे। बहुत सारे वर्क हुए एसिड्स के ऊपर, और इसके एक सेकेंड डेफिनेशन ये निकल के आई बेटा, कोई भी चीज जो खट्टी है फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग बेटा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो डिसोसिएट होने के बाद, जब हम उसको वाटर के साथ डिसोसिएट कर रहे हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है, उसको हम एसिड कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कि ऐसे सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाते हैं, H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, अगर हमने इसको वाटर के साथ ऐड किया है तो ये H+ आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, आप लोगों को सबको पता है HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, तो अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप डिसोसिएट करते हो तो ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने H+ आयन रिलीज किया, सो ये क्या होते थे बेटा, एसिड होते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग लिटमस पेपर यूज करते हैं और लिटमस पेपर में हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसिड कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये सारे जो टर्म्स हैं ये पहले पढ़ रखी हैं, इसीलिए हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ब्लू लिटमस पेपर है हमारा वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो इट मीन्स ये किसकी प्रेजेंस को शो करता है बेटा, एसिड की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, एसिड जो होते हैं उसका मेन पहचानने का तरीका यही होता है कि वो सॉर होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, तो हम उसको H+ आयन जो होता है उसकी हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप बोल सकते हो कि अगर हमारा ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने जनरल लाइफ में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्चुअली में ये एसिड्स जो होते हैं, सबसे पहले आपके जो रॉबर्ट ब्राउन थे उन्होंने इस पे वर्क किया था, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डायग्नोसिस किया था। रॉबर्ट ब्राउन आप सबने बायो में पढ़ा हुआ था सेल चैप्टर में। ठीक है बेटा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने एसिड के ऊपर वर्क किया था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो थी वो हमें एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया कि एसिड क्या होते हैं, जो टेस्ट में सॉर होते हैं, जो क्या होते हैं, वाटर के साथ डिसोसिएट हो सकते हैं, H+ आयन जो दे सकते हैं, इसके अलावा बेटा जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सबको हम एसिड कहते हैं। हम जनरल लाइफ में बहुत सारे एसिड्स यूज करते हैं जो हम जनरल अपने खाने की चीजों में अपनी जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस जो था उसका स्टडी किया था, और ये स्टडी की जो शुरुआत थी वो 17th सेंचुरी में हो चुकी थी। ठीक है बेटा, अब हम लोग कुछ एसिड्स के एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम उन सोर्सेस को डिस्कस करते हैं जो हम लोग जनरल खाने पीने में यूज कर रहे होते हैं या जो चीजें आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो हमारा होता है ये आपका विनेगर में होता है। विनेगर आप सब जानते हो, आप नूडल्स खाते हो उसमें भी विनेगर यूज करते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है वो हमारे लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है, ये विटामिन सी का एक सोर्स होता है। देन टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड जो है वो ग्रेप्स में होते हैं, और इसके अलावा बेटा जो एक इमली आप जानते होंगे उसमें भी टार्ट्रिक एसिड्स होते हैं। देन लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा वो मिल्क में लैक्टोजन शुगर जो होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है। मैलिक एसिड जो कि आपके एप्पल में प्रेजेंट होता है।
जब आपको कोई चींटी या कोई भी इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो आप जो है वहां पे पेन फील करती हो या रेड हो जाता है, किसके कारण होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं वो जितने भी हमारे साइट्रस फ्रूट्स है, इट मींस आपके जो विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं लाइक ऑरेंज या लेमन है, उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है आपके जनरल जो की सोर्सेज आप यूज करते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे है जो की आपके इनडायरेक्टली आपके फूड आइटम में या आपके यूज में आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एचसीएल। एचसीएल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है डाइजेशन में हम लोग जो एसिड हमारा हेल्प करता है, जब हमारा फूड जो होता है वो स्टमक में जाता है तो फूड के जो जर्म्स है उनको किल करने के लिए जो हम एसिड हमारे पेट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड। बेटा आप सब लोग जानते हो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए कितना हार्मफुल होता है। कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आप लैब में यूज करते हो। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आप इनको एक स्ट्रॉन्ग एसिड के फॉर्म में यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, इंट्रोडक्शन लिखोगे एसिड का, उसके बाद आप उसके जो कमेंट्स आपको बताए थे 3 और 4 कमेंट्स वो लिखेंगे। देन आप उसके बाद हमने जो अभी यहाँ डिस्कस किया था कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और किससे निकलते हैं वो लिखेंगे, उनके सोर्सेस क्या है। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट लिखोगे बेटा आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे आते हैं हम लोगों ने। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया है बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज। सोर्सेज आप समझ रहे हो कि हम लोग कोई भी एसिड को किस चीज से लेते हैं, कहाँ से वो एसिड मिलता है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है बेटा, ऐसे एसिड्स बेटा जो हमें प्लांट से और एनिमल से मीन्स लिविंग थिंग से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और ऐसे जो कि रॉक्स या मिनरल का पार्ट होते हैं लेबोरेटरी प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया यहाँ पर एसिटिक एसिड विनेगर, तो विनेगर आपको पता है हम लोग इसको प्लांट से लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एक ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने लैक्टिक एसिड पढ़ा था, लैक्टिक एसिड जो मिल्क में था ये वाला भी आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है। HCl है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, सेकेंड क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन मीन्स उसका आयन बनने की प्रोसेस। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, जो अपने आप को पूरी तरह डिसोसिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका HCl है, जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये H+ में और Cl में डिसोसिएट, ये पूरी तरह से H+ आयन को अलग कर दे रहा है। ये H+ आयन क्या कर रहा है बेटा, H को रिलीज कर दे रहा है एक ही स्टेप में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं, एसिटिक एसिड मीन CH3COOH, जब हम इसको आगे वो करते हैं बेटा डिसोसिएट, तो ये क्या करेगा बच्चा, CH3COO- और ये H+ में ब्रेक डाउन होगा। तो अगर हमारा H+ आयन, रुक जा, जो HCl जो होता है, ठीक है बेटा, जैसे ये HCl है तो ये वाटर के साथ में अगर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो वाटर के साथ में इनकम्प्लीट आयनाइज होते हैं या एक से ज्यादा स्टेप में आयनाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया बेटा यहाँ पे HCl, तो HCl जब आयनाइज होगा तो H+ में और Cl- में हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, एक ही स्टेप में ये पूरा आयनाइज हो गया। लेकिन अगर हम लोग एसिटिक एसिड ले रहे हैं CH3COOH और जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका CH3COO- और H+, ये अगेन आपका आयनाइजेशन के लिए रेडी रहता है। तो इसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वीक आयन्स। ठीक है, या वीक एसिड्स कहते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा है ऑन द बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स इसमें जो भी आपके एच आयन्स प्रेजेंट होते हैं इसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट इज मोनोबेसिक। मोनोबेसिक मीन्स HCl केवल एक एच कंटेन कर रहा है। सेकेंड इज डायबेसिक। डायबेसिक मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और तीसरा ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक मीन्स 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन मतलब क्या होगा बेटा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड लिया है तो इसमें 3 जो आपके हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारा बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन के बेस पे हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, कंसेंट्रेटेड एसिड एंड डायल्यूट एसिड। कंसेंट्रेटेड एसिड वो होता है जो कि जब
एक्वस सॉल्यूशन के साथ हम बना रहे हैं, एक्वस मीन्स वाटर के साथ जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें वाटर का क्वांटिटी कम और एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इट्स कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड. ओके, और जब हमारे एक्वस सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज्यादा है, हमारा एसिड का वैल्यू कम है, एसिड का परसेंटेज कम है, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं. ठीक है बेटा, और इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अब हम लैब में आप जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ बॉटल्स जो होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है CON, CONHCl, और कुछ पर लिखा होता है DILHCl. तो DILHCl मीन्स डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है बेटा, और CON मीन्स कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं. क्यों? बिकॉज उनका परसेंटेज जो होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों अच्छे से कि क्लासिफिकेशन क्या होता है? फोर बेसिस पे, पहला बेस्ड ऑन देयर सोर्सेस, दूसरा आपका बेस्ड ऑन आयनाइजेशन, तीसरा बेसिसिटी और चौथा कंसंट्रेशन. ठीक है बेटा, ऑन द सोर्सेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक जो लिविंग बींग से मिल रहे हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनऑर्गेनिक जो रॉक्स और मिनरल्स से कलेक्ट किए जाते हैं, आयनाइजेशन जो वाटर के साथ टोटली आयनाइज होते हैं या जो पार्शियल आयनाइज होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग मीन्स टोटली, वीक मीन्स पार्शियली. बेस्ड ऑन बेसिसिटी मीन्स एच आयन की प्रेजेंस, मोनोबेसिस मतलब एक हाइड्रोजन आयन, डायबेसिक मतलब दो हाइड्रोजन आयन एंड ट्राइबेसिक मतलब तीन हाइड्रोजन आयन. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के बेस पे हमारे दो क्लासिफिकेशन है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड. अगर आपका एक्वस सॉल्यूशन में एसिड जो है उसका परसेंटेज ज्यादा है सो इट्स कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड, एंड अगर वाटर का परसेंटेज ज्यादा है सो इट्स कॉल्ड डाइल्यूट. आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आपके लिए आज चार क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो रहे हैं. फर्स्ट एसिड्स इंट्रोडक्शन, सेकेंड आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, थर्ड आपको जनरल एग्जाम्पल्स विद सोर्सेज लिखना है, एंड फोर्थ टॉपिक है उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेस स्टार्ट करते हैं.